हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, 60 क्वेश्चंस हम कर चुके थे सी टेट के पेपर सेकेंड, 2 दिसंबर 2019 में हुआ था, और अब हम 61 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेनली जो है साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मन का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित सबसे संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में जो आपने पढ़ा था, ठीक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो उसमें जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हमेशा अप्लाई करते हैं अपने नॉलेज को। तो इसका सही उत्तर रहा हमारा अनुप्रयोग करना, यानी कि अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे कक्षा में व्याख्यान सुनना, यानी कि लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास। ठीक है, केवल लेक्चर से जो है उनमें एक एक्टिव लर्निंग, क्योंकि पैसिव होकर बच्चा वहाँ पर केवल व्याख्यान कौन करेगा, टीचर करेगा और बच्चे करेंगे, उसे सुनेंगे, तो वहाँ पर वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो एक्टिव लर्निंग उसको नहीं कहा जाएगा। अगला है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस। तो लर्निंग गैप्स आप कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग गैप्स आप कॉन्सेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र के माध्यम से एनकोडल रिकॉर्ड, बिल्कुल वर्णन अभिलेखों से, और पोर्टफोलियो बनाकर। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं, क्योंकि टर्म अचीवमेंट टेस्ट जो है ये उतने वैल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ए बी सी, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वर्णन अभिलेखन यानी एनिकोडल यहाँ पे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है वर्णन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर थे हमारे वो था पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल, और ऊन ऊँट की ऊन कारपेट में उपयोग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर था, पश्मीना वो शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर्स ऑफ गॉट एंड कैमल्स वूल इज यूज टू मेक कारपेट्स। तो ए और सी यहाँ पर सही उत्तर था, तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस था दोस्तों, बहुत लोगों ने ये गलत किया है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि अगर लॉन्ग बैक बोन है, मैनी मसल्स हैं, बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, ये दो फीचर तो लॉन्ग बग बैकबोन कहीं आई एक तरह से कहीं, ये जो फीचर है ये यहाँ पे नहीं मिलेगा आपका अर्थफॉर्म में। बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे, सर कि अर्थफॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो लंबा मेरुदंड है ये इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ, आगे धकेलने के लिए जो है वलयों में मोड़ा जरूर होता है इनका शरीर, लेकिन इनमें बहुत सारी मांसपेशियाँ भी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ इसका उत्तर था कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध को रक्त को ले जाती हैं। ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऐसा नहीं करती है, उसमें डी ऑक्सीजन ब्लड होता है। जब आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि पल्मोनरी वेन जो है, वेन का मेन कार्य क्या होता है, डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करना, लेकिन पल्मोनरी वेन ही जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। नॉर्मली जो आर्टरी का काम है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेकेंड। अगला था, मैच द फॉलोइंग, काफ़ी ईजी आया था। ठीक है, एसिड एंड बेसिस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपने जो है सही मिलान करना था इसमें। तो एसिडिक एसिड, अगर आप बात करें एसिडिक एसिड की, विनेगर मिलता है, तो फर्स्ट का फोर्थ, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा आपका उत्तर हो गया क्या था, चौथा। ठीक है,
पहला यहाँ से मिला के, फिर बाद में आप देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड कार्ड में मिलता है, हमें पता ही है ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका स्पिनेच में मिलता है, और एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट में यानी कि खट्टे फलों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन और पाचन के लिए आवश्यक है, ठीक है। जब एक्स आधक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है लेकिन ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो जो है डाइजेशन संबंधी जो है प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। अब इसके एक्स और वाई क्या है, तो वाई हम इसमें यूज कर रहे हैं, सॉरी वाई हम यूज कर रहे हैं एक्स को क्योर करने के लिए, एक्स के द्वारा जो इंडाइजेशन उसकी एक्सेस मात्रा से उत्पन्न हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है कि हमारा एक्स क्या हो जाएगा, HCl, क्योंकि ये जो है हमारे भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लेकिन कभी ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो कहते हैं ना एसिडिटी हो गई पेट में, तो वही एसिडिटी होने का मतलब ये है कि पेट में एसिड आपका ज़्यादा बन रहा है, HCl ज़्यादा बन रहा है, तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आपको डॉक्टर इनो वगैरह प्रिस्क्राइब करता है जिसमें होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है फोर्थ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का उपयोग नहीं होता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज। तो बैक्टीरिया जो है बेकिंग ऑफ ब्रेड, ठीक है, डबल रोटी बनाने में आपको पता है कि यीस्ट का यूज होता है, तो थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कंजर्वेशन जो है अन्य से भिन्न है क्योंकि तीनों जो है डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज से या किसी न किसी नेचुरल क्लाइमेटिक या नेचुरल या मैनमेड क्लाइमेट कैलेमिटी से रिलेटेड है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन है, डिसर्टिफिकेशन है या इरोजन है, लेकिन संरक्षण क्या है, एक तरह से बचाव से संबंधित है, उनको बनाए रखने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा नहीं है क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। पाचन केमिकल चेंज है, डाइजेशन ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है और रेस्पिरेशन भी केमिकल चेंज है, तीनों केमिकल चेंजेज हैं लेकिन ये नहीं है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को, यानी कि आपने क्या करना था यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बताना था, ठीक है, सबसे छोटा फिर से बड़ा। तो कणों के आकार यहाँ पर देखें तो क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और फिर रॉक, तो यहाँ पर थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मछली में क्लोम यानी गिल का क्या कार्य होता है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश टू, बिल्कुल एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, जल में जो उपस्थित या घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको अवशोषित करने का काम, अब्सॉर्ब करना। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिवर्तक को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लेड, ठीक है, ब्लेड का यूज होता है, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, क्लास सेवन्थ में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है इसका। अगला देखिए, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, ठीक है, वह दर्पण में 1 मीटर चलती है, ठीक है, 1 मीटर चलती है यानी कि 1 मीटर कम हो गया, तो कभी भी 2 × 4 यहाँ पर कर देंगे तो सीधा सीधा हमारा उत्तर हो जाएगा 8 मीटर। नेक्स्ट है, कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर लोलक के दोलन की बात करें तो यहाँ पे हमने जो है करेक्ट स्टेटमेंट को चूजना था, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो टाइम पीरियड इसका होगा दोस्तों हमेशा जो टाइम अगर निकालेंगे तो 1/ जो है ऑसिलेशन होगा, ठीक है, तो टाइम अपॉन ऑसिलेशन, तो 3/30 हम करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड वन। जी हाँ, थर्ड वन इसका जो है सही उत्तर है, ठीक है, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था कि बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ मनी मशीन। ठीक है, तो एक घर्षण कम करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि बढ़ाने के लिए। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया सेकेंड। नेक्स्ट था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट था कि जो जिंक है कॉपर सल्फेट के विलयन को स्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक जो है इससे ऊपर आता है, ZN से ऊपर होता है CU। तो आपको पता है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर स्थित तत्व है वो अपने से नीचे वाले तत्व को जो है विस्थापित कर सकता है, ठीक है, या रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपने जो है सही कथन चुना था, तो आपको पता है कि द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसकी रेंज क्या होती है, वो ज़्यादा होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन पहचानना है, तो यहाँ पर जो है कैलोरिक वैल्यू ऑफ बायोमास इज मोर देन दैट ऑफ LPG। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, कैलोरी वैल्यू जो होती है सबसे अच्छी होती है LPG की, इसलिए इसको घरों में यूज किया जा रहा है आजकल फ्यूल के रूप में, क्योंकि वो कम्प्लीटली जलता है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि जो ईंधन पूरी तरह से जलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इस समय की अवधि में कुल बस की दूरी कितनी है, तो वो है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, तो ऑल पीरियडिक मोशन था सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं होता है कि सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए में से कौन से कथन सत्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल आर करेक्ट इन द रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा कि इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, बिल्कुल सही है। इमेज रियल होगी और इमेज क्या होगी, सॉरी, इमेज रियल नहीं होती, इसमें होती इमेज लैटरली इन्वर्टेड और इन द इमेज साइज इज सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा A, C और D, थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। तो यहाँ पर साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, केवल फैक्ट्स पर आधारित नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहला। एज पर NCF 2005 गुड साइंस इवोल्यूशन शुड बी। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा को कैसे होना चाहिए, ट्रू टू बी चाइल्ड। जी हाँ, बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। अगला है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाई बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस पर आधारित, जी हाँ, प्रक्रिया पर आधारित। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें प्रोसेस जो है निर्धारित होती है। अगला है, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये क्या करेगा, एक बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, ठोस अनुभव द्वारा जो है प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, कौशलों को, बिल्कुल। और यह बच्चों को अवलोकन कौशल को बढ़ाएगा, जी हाँ, फील्ड ट्रिप पर जाएगा, कोई चीज़ देखेंगे तो अवलोकन क्षमता बढ़ेगी। और लय को तोड़ता है, कहीं पर भी गलत सही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा इसका सेकंड इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होगा कि अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना। केवल परिभाषाओं पर बल देना उद्देश्य नहीं होगा, तो हमारा इम्फेसाइजिंग टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, तो सही उत्तर भी हमारा पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। तो क्रिटिकल थिंकिंग आपको बच्चों में कैसे बढ़ सकती है, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करके और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करना। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग themselves इन ग्रुप फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप्स। सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर।
तो इस तरह से हमने साइंस के भी क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब बचे हमारे हिंदी और इंग्लिश, तो वो चैप्टर भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन जो है हमारे 2019 के पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।